श्री गुरु महाराज के पावन श्री चरणों का नमन वंदन करते हुए मेरे समस्त गुरु भाईजन और गुरुदेव जी के अत्यंत प्रेमी भक्त भक्तानियां और प्यारे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही सुनहरा दिन है और हम आप सबका परम सौभाग्य है कि गुरुदेव जी के दर्शन और सत्संग का निरंतर लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए सर्वप्रथम एक प्रार्थना, एक भजन, तत्पश्चात सत्संग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा हम सब करेंगे। गुरु के पावन रूपी चरण कमल उसकी बलिहारी है, उसका बारंबार वंदन है। आइए इसी पर एक छोटी सी प्रार्थना। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव। और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन चरण से। आइए बहुत ही सुंदर सा भजन गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रस्तुत है। गुरु के चरण कमल हैं और ऐसे कमल रूपी चरणों में हमारा जीवन समर्पित है। हमारे मन की दुविधा को, भ्रम को दूर करने वाले सद्गुरुदेव हैं। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल मिली
दिया उबारी रे दाता पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। हर इंसान संसार के दुख में डूब रहा है और दुख से उबारने वाले सद्गुरु हैं, हमें सुख का मार्ग बताते हैं, शांति की मंजिल दिलाते हैं। और हमारे जीवन की क्षति करने वाले कौन से शत्रु हैं? काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे सबको दीन्हा मारी रे दाता सबको दीन्हा मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। कामी क्रोधी लालची भक्ति नयन से होए भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। काम क्रोध मद लोभ ये निरंतर हमारे ज्ञान रूपी धन को लूटने का काम करते हैं, परंतु सद्गुरु हम पर दया करके सबको दीन हमारी रे सबको खत्म कर हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान की रोशनी कर देते हैं और ब्रह्म का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान भी सद्गुरु से ही होता है। इसलिए आगे क्या कहा गया है? भेद भाव सब दूर कराया भेद भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्म ज्योति दर्शाया पूरन ब्रह्म ज्योति दर्शाया घट घट ज्योति घट घट ज्योति निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भेदभाव सब दूर कर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हमें देते हैं कि जैसे हमारे अंदर आत्मा है ऐसे ही सभी के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा विद्यमान है और इसलिए किसी की भी आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, पर ही परोपकार कर अपने जीवन को सद्गुणों से संवारना चाहिए। जोग जुगत गुरुदेव बताई जोग जुगत गुरुदेव बताई जोग जुगत गुरुदेव बताई जोग जुगत गुरुदेव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे दाता मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे बलिहारी रे
बलिहारी रे बलिहारी रे बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये सुंदर सा भजन गुरुदेव के चरणों में समर्पित था और इसके पश्चात अब मैं गुरुदेव जी के प्रिय शिष्य सिलकर साहब जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी सत्संग के दो शब्द हम सभी को श्रवण कराने की असीम कृपा करें। एक बार जोरदार जयकारे लगाएंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु विशाल देव की जय। सदगुरु क्षमा देव की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत सदगुरु असंग देव की जय। हो जय हो साहेब। श्री गुरुदेव जी की कृपा को लेकर गुरुदेव जी के आगमन के पूर्व थोड़ी सत्संग की चर्चा ज्ञान की चर्चा करूंगा। वाणी तो गुरुदेव जी की है परंतु मुख मेरा है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, बस गुरुदेव जी का एक छोटा सा दास हूं। इस मनुष्य जीवन को पा करके हर मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना केवल यही नहीं है। इस सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, इसको पा करके सबको भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने के लिए कोई अमीरी कोई गरीबी निर्धन धनवान छोटा बड़ा इन सब कोई चीजों की आवश्यकता नहीं। किसी भी उम्र और जाति की भी इसमें बंधिश नहीं। आप बहुत गरीब हैं, सोचते हैं कि हम भक्ति कैसे करें, ये तो धनवान लोगों का काम है। ऐसी बात नहीं। सबरी का नाम आपने सुना है। सबरी कोल भील के घर में पैदा हुई, भेड़ बकरी चराने का उसका परिवार में एक उनका व्यापार था, घर का काम था। गरीब घर में पैदा होकर के सबरी इतनी भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया कि भगवान राम उसके कुटिया पर गए और खुद भगवान जाकर के उनको दर्शन दिया। आज बहुत से लोग हैं जो भ्रम में पड़ करके पशुओं की बलि करते हैं, मुर्गी काटते हैं, बकरा काटते हैं। धार्मिक गुरु लोग उनको मिल गए, कहते हैं कि तुम अगर बकरा नहीं काटोगे मुर्गी नहीं काटोगे तुम्हारी जो कुल देवी है कुल देवता है वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये भ्रम इस क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है इसमें बहुत ज्यादा है।
शराब पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, गांजा पीने की आदत और ये जो बलि प्रथा है ये बहुत ज्यादा है। आज भी लोगों को समझ नहीं है कि कोई देवी बलि नहीं मांगती है। देवी तो दया की मूर्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ये देवी क्या है? दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। देवी तो मां है ना, और मां कभी अपने पुत्रों की हत्या नहीं करती। सबको जन्म देने वाली वो मां है, देवी है। वो कैसे दूसरे की बलि ले सकती है? किसी के पुत्र पुत्री को आप सताएं, मारें, काटें तो मां को क्या दुख नहीं होगा? कोई देवी बलि नहीं चाहती है, लेकिन लोग इतने आडंबर में पड़े हुए हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। अरे बलि देना है तो अपने दुष्कर्मों की बलि दीजिए, अपने बुरे कर्मों की बलि दीजिए। और आज एक उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पूर्वजों से बलि प्रथा चली आ रही है, मुर्गे की बलि देते हैं, तो उसके भी दो आंख, नाक, ये सब होता है ना, पशु के भी आंख कान होते हैं, उसके जगह पर आप वहां पे नारियल भेंट कर दीजिए। नारियल में तीन निशान बने होते हैं, दो आंख के और एक नाक के। तो आप मुर्गे की जगह पर जीव हत्या ना हो, उसके जगह पर गुरु का नाम लेकर के वहां पर नारियल समर्पित कर दीजिए, नारियल तोड़ दीजिए। वो प्रसाद देवी देवता स्वीकार कर लेंगे, वहां पर जीव हत्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आत्मा हम में है वही आत्मा उस जीव जंतु में भी है, उस बकरे में भी है। क्या बिगाड़ा है आप के बकरे ने जो उसकी बलि कर रहे हैं? और बलि तो जो सबसे प्यारी चीज है, जो अपनी सबसे प्यारी चीज है उसकी बलि करनी चाहिए। तो सबसे प्यारा कौन होता है आपका? आपका सबसे प्यारा कौन है? तो कुछ लोग कहते हैं कि सबसे प्यारा हमारा पुत्र है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं सबसे प्यारी हमारी पुत्री है, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे प्यारी हमारी माँ है, हमारा पिताजी है। तो क्या उसकी बलि कर दोगे? नहीं। मनुष्य सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ सकता। और सबसे प्यारी मनुष्य का जो चीज है, प्यारा जो चीज है, वो है उसका आदत। व्यसन में फंसा हुआ जो गंदी आदत है ना, आदमी शराब के आदत के कारण अपने घर परिवार, अपने कुटुंबी जन, अपने रिश्ते नाते, अपने पत्नी पुत्र सबको छोड़ सकता है। बहुत से शराबी लोगों को आपने देखा होगा कि सब कुछ वो छोड़ देता है, लेकिन अपनी गंदी आदत को नहीं छोड़ सकता है। तो आपको अगर बलि करना है तो महान पुरुषों के चरणों में, देवी देवताओं के चरणों में अपने बुरी आदतों को बलि करें। वहां पर संकल्प लें कि हम आज से शराब नहीं पिएंगे, आप से घुटका पुड़िया नहीं खाएंगे, आज से चोंगी बीड़ी नहीं पिएंगे, आज से सिगरेट नहीं पिएंगे, आज से गांजा नहीं पिएंगे। तो इसको तो कोई बलि नहीं करता है, करता है निरपराध जीवों की बलि, जो कभी किसी को उसको कुछ सताया ही नहीं उसकी बलि करता है। कमजोर जीवों की बलि नहीं करना चाहिए। और कोई भी देवी देवता बलि नहीं स्वीकारता है, ये केवल मनुष्य को ढोंग में फैलाया गया है, आपको केवल वाणी जाल में फंसाया गया है, आपको डराया गया है कि आप अगर बलि नहीं करेंगे तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपका वो नुकसान होगा। कुछ नुकसान नहीं होगा, एकदम सरल उपाय। आप जीव जंतु की हत्या की जगह पर नारियल सबसे ज्यादा पवित्र होता है,
भगवान उसी को स्वीकार करते हैं, उसको आप चढ़ाइए, वहां पर नारियल तोड़िए, उसका प्रसाद बनाकर खिलाइए, कुछ कुंवारी कन्याओं को भोजन कराइए, कुछ गरीब बच्चों को भोजन कराइए, कुछ ब्राह्मणों को बुला करके, साधु संतों को बुला करके उनको प्रसाद खिलाइए, तब देवी देवता खुश होंगे। केवल वहां पर मुर्गी काट देने से देवी देवता खुश नहीं होंगे, वो तो और नाराज होती है। दूसरों को आप कष्ट देते हैं तो कैसे आपको सुख मिलेगा? दूसरों को आप सुख बांटिए, जैसे आकाश में आपने धूल फेंका तो धूल क्या दूसरे के ऊपर गिरेगा? तुम भी तो हो ना, तुम्हारे ऊपर भी तो गिरेगा। जो दूसरों को दोगे वही मिलेगा। अपने हाथों से किसी को नुक्ती और शक्कर बांटोगे तो नुक्ती और शक्कर का जो मिठास है वो अपने हाथों में लग जाएगा। ऐसे ही आप जो कर्म करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आदमी जो भी कर्म करता है उसका फल मिलेगा, वो कभी चुकने वाला नहीं। जैसे हजारों की संख्या में गाय खड़ी हो, गाय हजारों की संख्या में खड़ी हो और उसके बीच में एक बछड़ा को छोड़ा जाए तो बछड़ा हजारों गायों में ढूंढ करके अपनी मां की स्तन के नीचे ही जाकर दूध पिएगा। वैसे ही कर्मों का चक्र है। आप मर जाएं, दूसरा जन्म ले लें, दूसरे शरीर में चले जाएं, लेकिन आपने जो कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलता है, उसका फल कभी निष्फल नहीं जाता है। इसी लोग बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, हमको मिल कैसे रहा है, हमने ऐसा पाप कर्म किया ही नहीं था, ये मिल कैसे रहा है हमको, हमने कौन से ऐसे कर्म कर दिए, हे भगवान हमारे प्रति आपकी नजर कैसे टेढ़ी होगी, या मेरे खाते में कुछ लिखना ही भूल गए, हम भगवान को दोष लगाते हैं। लेकिन भगवान किसी के भाग्य के चक्कर में पड़ता ही नहीं। आप अपने कर्मों से अपनी भाग्य की रचना करते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा आपका भाग्य बनेगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। कोई सोचे कि हम बबूल के बीज बोए हैं और उसमें आम के फल मिले तो कैसे मिलेगा? आम के लिए आम का वृक्ष उगाना पड़ेगा, उसको खाद देना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा, उसको भेड़ बकरियों से जानवर से रक्षा करना पड़ेगा, उसमें कांटा तार लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो बड़ा होगा, तब 10-15 वर्षों के बाद, कोई 5 वर्षों के बाद, और कालम सिस्टम है तो 3-4 वर्षों के बाद उसमें फल आएगा। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। किसान सोचे कि हम खेत में एक बीघे में करीबन 20 किलो या 25 किलो गेहूं डालना पड़ता है, अगर वो बीज ही ना डाले, गेहूं ना डाले, और सोचे कि उसमें 2-4 क्विंटल हम बीघा भर में काटेंगे, कैसे कटेगा? पहले तो बीज आपने लगाए ही नहीं, तो ऐसे आपने अच्छा कर्म नहीं किया है तो आपका भाग्य भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाए और मनुष्य जीवन पा करके सब लोग भक्ति करें। भक्ति से सब कुछ धीरे धीरे छूट जाता है। जो आप गंदी आदतों में, व्यसनों में, गलत खान पान में सब पड़े हुए हैं, वे सब धीरे 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 गुरु महाराज की कृपा से छूट जाएगा। इसलिए सब लोग भक्ति करें, बहुत सरल है। एक कोल भील के घर में पैदा होने वाली सबरी के भक्ति से प्रभु श्री राम स्वयं उसके कुटिया में जाकर दर्शन दिए, तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं, बहुत सरल है। कहहु भगति पत कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके अयोध्या जब आए तो पूर्ववासियों ने पूछा भगवान से कि हे भगवान,
ये भक्ति हम लोग कैसे करें, भक्ति में करना क्या है। बहुत से लोग डर जाते हैं भक्ति करने के लिए कि भक्ति करेंगे हमारी घर गृहस्थी छूट जाएगी। अरे नहीं, घर गृहस्थी नहीं छूटेगी। भगवान राम गृहस्थ में रह करके गुरु का आदेश लेकर के उसके नियमों का पालन करके भक्ति करते करते वो भगवान पद को प्राप्त कर गए। वनवास तो गए थे राजकुमार के भेष में और लौटे तो भगवान बन करके लौटे। अपने 10 इंद्रियों को बस में किया और 4 अंतःकरण चतुष्टय होता है। दस इंद्रियों को उसने बस में किया, 14 वर्ष में 14 कलाएं सीखा। और आप और हम में अपनी अपनी देख लो कितनी कला है। तो भक्ति कोई कठिन नहीं है। पूर्ववासियों को संदेश देते हैं प्रभु श्री राम, कहु भगतिपत कौन प्रयासा। ये भक्ति में कौन सा प्रयास करना है, करना क्या है। योग नमक जप तप उपवासा। भक्ति में योग की आवश्यकता भी नहीं, भगवान श्री राम कह रहे हैं। भक्ति में यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है, भक्ति में जप करने की भी जरूरत नहीं है, भक्ति में तप करने की भी जरूरत, भक्ति में उपवास रहने की भी जरूरत नहीं है। तो आखिर करना क्या है। तो आगे भगवान ने कहा कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। करना क्या है, भक्ति में सबसे पहले स्वभाव को सरल बनाना है और मन के अंदर जो कुटिलता भरी हुई है, कटुता भरी हुई है, उस कुटिलता को, कपट को हटाना है। क्योंकि कपट जो होता है ना, वही भक्ति में बाधक। कपटी आदमी कभी भक्ति नहीं कर सकता है। कामी क्रोधी लालची भक्ति न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल होए। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति वही सूरवीर कर सकता है। भक्ति न कामी आदमी कर सकता है, न क्रोधी आदमी कर सकता है, न लालची आदमी कर सकता है। भक्ति में इसकी कोई जगह नहीं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। मन की जो कुटिलता है, कपट है, कपट त्याग करके ही भक्ति सफल हो सकती है। और जो कपट करता है वही बीच मझधार में डूब जाता है। एक बार की घटना है, मुंबई से 4 मित्र मुंबई के बांद्रा स्टेशन से बैठे, देखा कि गाड़ी में बहुत भीड़ है, जगह नहीं मिलने वाली है, क्या करें। तो उसके मन में एक चिंतन आया, कहा कि लोगों को डरवा देते हैं तो लोग जो हैं डिब्बा खाली कर देंगे और हम लोग आराम से बैठ के चले जाएंगे। उसने वहां पे कपट का काम किया, डिब्बा में गया और जोर से चिल्लाया कि अरे अरे इस डिब्बे में तो सांप घुसा हुआ है, अभी हमने देखा था। तो लोग डर गए, डिब्बा से कूद कूद के सब उतर गए और वो चारों मित्र जो है उसमें सवार हो गए। डिब्बे में बैठा, कहा कि अब तो सोते हुए चलेंगे। चारों मित्र सो गए और वो ट्रेन लखनऊ जंक्शन में रुकना था। मस्त सोए, पूरी रात सोए। सुबह सुबह 10 बजे पहुंचने का समय था। सुबह उठा, देखा कि लिखा है उसमें बांद्रा जंक्शन
लोगों से पूछा, अरे ये ट्रेन गई नहीं क्या? कहा ट्रेन तो चली गई, लेकिन इसमें सांप घुस गया था इस बोगी में, इस डिब्बे में, तो स्टेशन मास्टर ने उस बोगी को यहीं कटवा दिया, ट्रेन तो चली गई। तो उसके मन में हुआ कि अरे देखो, हमने कपट करके लोगों को उतारा और सोचा कि इसमें चढ़ करके यात्रा कर लेंगे, लेकिन उसमें हमारी जो एक कपट है वो काम नहीं आई। इसी प्रकार से भक्ति में अगर कपट है, कुटिलता है, अंदर कुछ और है, हम दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं तो गलत बात। माला खूब पहने हैं, तिलक खूब लगाए हैं, राम राम का जप कर रहे हैं, लेकिन उसी मुख से हम गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, तो इस मुख से वो राम का नाम तो गंदा हो गया ना। लक्ष्मी जब किसी के घर में आती है तो सबसे पहले उसके मुख को देखती है, उसके द्वार को देखती है कि इसमें गंदगी तो नहीं, और जहां सफाई है वही स्वर्ग है, और जहां स्वर्ग होगा वहीं पे लक्ष्मी का वास होगा। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सफाई शुद्धता पर ध्यान दीजिए, अपने घर को भी साफ रखिए, अपने कपड़े को भी साफ रखिए, अपने मुख को भी साफ रखिए। उस मुख से कोई पूड़िया ना खाओ, खाओ तो भगवान के प्रसाद खाओ, कथा का प्रसाद खाओ, कथा में नुक्ति बढ़ती है ना, वो प्रसाद खाइए। ये मुख दिया है तो क्या करने के लिए, भजन करने के लिए, उससे भजन करो, अच्छे शब्द निकालो, भगवत चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो, उसके लिए मुख है, ये शराब पीने के लिए मुख नहीं है। तो भक्ति बहुत सरल है, सब आदमी को भक्ति करना चाहिए। भक्ति में केवल करना क्या है कि अपने मन को सरल बनाना है, स्वभाव को सरल बनाना है, और जो कर्म आप करते हैं, यथा लाभ संतोष सदाई, जो आप दिन भर काम करते हैं, जो कुछ उसमें मिलता है उसको भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करना चाहिए। ये प्रभु का प्रसाद है, वो ग्रहण करना चाहिए। सुदामा बहुत गरीब था और सुदामा ब्राह्मण था। ब्राह्मण का काम होता है दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये ब्राह्मण के कर्म होते थे। और भिक्षाटन नहीं करते थे ब्राह्मण, मांगने नहीं जाते थे, वो जो दान मिलता था कोई स्वेच्छा से दे दे उससे वो गुजारा करते थे। सुदामा के पास बहुत गरीबी थी, उसको उसके घर में पुत्र थे, उनको भी ठीक से भोजन कराने की उसके पास व्यवस्था नहीं थी, बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाता था। भागवत में उसकी बहुत बड़ी व्याख्या लिखी हुई है किस कारण से वो निर्धन बना था। परोपकार के लिए, अपने मित्र के उद्धार के लिए उन्होंने श्राप अपने ऊपर लिया था। भगवान कृष्ण को बचाने के लिए जो श्राप मिला था, उस श्राप के कारण वो निर्धन हुआ था, लेकिन निर्धनता में भी वो भक्ति नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। बहुत दिन बीत गए तब कहीं जा करके भगवान कृष्ण को याद करते हैं और उसके पास जाते हैं। तो आपके अंदर, आपके पास भी अगर निर्धनता आ जाए, गरीबी आ जाए, उस समय भी घबराना नहीं चाहिए, अपने भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग भ्रांतियों में पड़ जाते हैं, कुछ लोग को ये
भ्रांति हो जाती है कि हमने भक्ति किया तब से नुकसान हो गया, हमने भक्ति किया तो वो नुकसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, भक्ति करने से कोई नुकसान नहीं होता है। आपने बुरे कर्म भी अगर पूर्व जन्म में किया है, आपके प्रारब्ध में अगर वो फल मिलने वाले हैं गलत कर्मों का, वो भी इस जन्म में अच्छे कर्म करने से जो सूली जैसी सजा थी वो कांटों में निकल जाएगी। भक्ति बहुत सरल है। करना क्या है? भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को संदेश दिया और कहा कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति में यही करना है, संतुष्ट रहना है। और जब सबरी को नौ प्रकार की भक्ति बताया तो क्या बताया है, आइए थोड़ी देर उसका वर्णन करते हैं, तब फिर गुरुदेव जी हमारे बीच के पधार जाएंगे, फिर गुरुदेव जी के वाणी का भी हम सब लाभ लेंगे। तो पहली भक्ति सबरी को सुनाया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। आज आप सबकी पहली भक्ति प्रारंभ हो गई कि आपको संतों का संग मिल रहा है, गुरु जी का संग मिल रहा है, उनका सत्संग मिल रहा है। आज से आपकी पहली भक्ति प्रारंभ हो गई। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कि भगवान की कथा में प्रेम रखना, सत्संग कथा में प्रेम रखना, गुरु जी जो सुनाए उसमें प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है। तो आप में सब गुरु जी के प्रति, संत के प्रति, सत्संग के प्रति जो प्रेम है, इसी कारण से आप इस धरा पर पधारे हैं, बैठे हैं। आज से आपकी दूसरी भक्ति भी प्रारंभ हो गई। परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और गुरु जी का स्वागत करें। आइए गुरुदेव जी के आगमन में स्वागत भजन आप सब श्रवण करें। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और सदगुरु भगवान का आगमन में आप और हम सभी मधुर सा भजन श्रवण करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हाँ, स्वागत है, अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बड़े भाग्य से दर्शन पाए, बड़े भाग्य से दर्शन पाए, ये सौभाग्य हमारा। स्वागत है, अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जय हो, सभी ताली बजाएं। आज ये कथा का अंतिम दिन है और गुरुदेव के दिव्य दर्शन प्राप्त होने जा रहे हैं। गुरुदेव का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सभी भक्तों की ओर से। हम तो भटक रहे थे तुमने राह दिखाई, हम तो भटक रहे थे तुमने राह दिखाई। गुरुवर तुमने आकर मोह की नींद भगाई, गुरुवर तुमने आकर मोह की नींद भगाई। डूब रही थी जीवन नैया, डूब रही थी जीवन नैया, तुमने पार लगाया। स्वागत है, अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हाँ, स्वागत है, अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा।
गुरुदेव सभी को दर्शन देने आए हुए हैं, सभी के मन को भाए हैं और सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए गुरुदेव सभी के बीच दर्शन दे रहे हैं। और क्या कहना है, उपकार किया है गुरुवर सत्य की ज्योत जलाकर, उपकार किया है गुरुवर सत्य की ज्योति जलाकर, सुख पाएगा प्राणी दुर्गुण सभी मिटाकर, सुख पाएगा प्राणी दुर्गुण सभी मिटाकर, तेरी कृपा से होता गुरुवर, तेरी कृपा से होता गुरुवर, मन मंदिर हमारा स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, हाँ स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। कर लो गुरु की भक्ति जो कल्याण को चाहे, कर लो गुरु की भक्ति जो कल्याण को चाहे, ओ कर लो गुरु की सेवा गुरु भगवान है आए, कर लो गुरु की सेवा गुरु भगवान है आए, सारे जग में गूंज रहा है, सारे जग में गूंज रहा है गुरुवर का जयकारा, स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, हाँ स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बड़े भाग्य से दर्शन पाए, बड़े भाग्य से दर्शन पाए ये सौभाग्य हमारा, स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, स्वागत है अभिनंदन है असंगदेव तुम्हारा, असंगदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बहुत सुंदर सद्गुरु भगवान पावन व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं, सभी को दर्शन दे रहे हैं और आयोजक भक्तों को भी माला पहना करके अपना आशीष दे रहे हैं। सभी का जीवन धन्य हो रहा है, सभी का जीवन कृतार्थ हो रहा है, ऐसे भगवान स्वरूप गुरुदेव के दर्शन पाकर सभी के जीवन में खुशियों का फूल खिल रहा है, सभी का जीवन गुलशन की तरह खुशियों से महक रहा है। अब आप और हम सभी सद्गुरु भगवान का मंगलकारी आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, तो सभी भक्तगण श्रोता बंधु अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रेम भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप और हम सभी सद्गुरु भगवान का आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आयोजक भक्त सभी एक तरफ, संत महात्मा दूसरी तरफ, आरती करें सभी। मंगल करण हरण
भोले ब्रह्म भंजन बोध प्रकाश भोले ब्रह्म भंजन तारण तरण मोहमद गंजन तारण तरण मोहमद गंजन जयति जयति गुरु जन मन रंजन पहुँच राम विश्राम सुधर की आरती श्री पारक गुरु भर की मंगल करन हरन तम भूर की गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी श्रोतागण भक्तगण यथास्थान बैठ करके सद्गुरु भगवान को त्रै बार बंदगी प्रणाम करें। सभी बैठ जाएं। बंदौ सन मुख पारखी शीश भेट धरु हाथ वचन उचारहुं बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोली सद्गुरु भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब साहिब।